सेट कोई कुछ नहीं होती जो भी कुछ है हम हैं सब कुछ प्रधान जी जी ने कह दी जी, आप क्या कहना चाहेंगे कहते हो रोजगार हमारे खिलाफ है जी रोजगार से जो रोजगार से तो तो रोजगार तो से तो 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 से खत्म वीडियो से। जी सर क्या कहते हो काम चलता रहता है गांव में काम बताते नहीं है जी काम चलता रहा ये रोजगार से बहुत साथियों आप देख रहे हैं जनहित क्रांति जनहित क्रांति में स्वागत है आज हम मौजूद है अमरोहा गंगेश्वरी ब्लॉक में हमारे साथ मैम हैं मैम से बात करते हैं आज ब्लॉक में सभी जनों का एकत्रित करण क्यों हुआ किस महत्व से यहाँ किस उद्देश्य से ये एक जगह हुई आज क्या कारण था आपने करन किया? आ, मेरा नाम अंजू ग्रामीण विकास समिति उत्तर प्रदेश की मैं मनरेगा महिला मैट की उपाध्यक्ष हूँ जिला अमरोहा से हम महिला मैट हैं सारी तो हमें जैसे कि गांव में काम नहीं मिलता है प्रधान या रोजगार सेवा किसी तरह से हमें काम नहीं देते हैं तो हम उसके लिए हम रजिस्ट्री कर रहे हैं मनरेगा आयुक्त जी को और एक उप मुख्यमंत्री जी को एक मुख्यमंत्री जी को कि हमारा मानदेय रखा जाए और एक हमारी जैसे कि 20 श्रमिकों की जो इन्होंने प्रतिबंध लगाया हुआ है वो हटा दिया जाए इसलिए हमने मतलब बीस प्रतिबंध क्या 20 मजदूर अगर हम लेके जाते हैं उस उस उसपे हमें एक हाजरी मिलती है तो हम ये चाहते है की ये बीस दिया जाए अगर श्रमिक ना भी हो तो हाजिरी नहीं, तो तो नहीं मिलती है हमें कोई पैसा नहीं मिलता है उसका की तो हम अठारह उन्नीस भी जाए और हम लगातार काम करें तो हमें हमारी भी उसमें पेमेंट आए ये है ना इसलिए हमने सभी बहनों को इकट्ठा किया है और इसी के लिए हम उनको ये रजिस्ट्री भेज रहे हैं और यही है हमारा उद्देश्य कि हम सभी बहनों को काम मिलना चाहिए अभी तक जितने अभी कितने दिन आपको हुए हैं नियुक्त करे हुए मुझे एक साल हो गया है लेकिन मुझे एक साल से कितनी तनखा एक, एक खाते साल में। से एक रुपए भी मेरे खाते में नहीं आया है अभी तक और पूरे एक साल में मेरी सिर्फ और सिर्फ चौंतीस हाजिरी लगी है जबकि मैंने नब्बे दिन काम किया है तो वही होता है नब्बे दिन हमने काम किया है लेकिन हम ये बीस श्रमिकों वाला प्रतिबंध नहीं होता तो देखो हमें नब्बे दिन की हाजिरी मिलती और पूरे साल काम करने के बावजूद मुझे सिर्फ चौंतीस दिन की हाजिरी लगी है वो भी मेरी अभी तक आई नहीं है तो हमारा ये है एक तो पक्के के पेमेंट के साथ आता है ये नहीं होना चाहिए कि जैसे मजदूर का आए वो आ जाए हमारा या तो जैसे हमें काम पे नहीं लेके जाते हैं और हमारा मानदेय होगा तो हमें प्रधान भी काम पे लेके जाएगा हमें कोई काम पे बताते नहीं है या तो हमें लेके नहीं जाते अच्छा, हैं। महिला मेट का सरकार ने काम क्या दिया काम ये दिया है कि हमें नाप तोड़ के उनको काम करवाना है भी, जैसे कि 20 महिलाओं को अपनी को इकट्ठा करके ले जाएं हम और उनको नाप के काम दे और उनसे नाप के ही काम ले तो वो काम आपको नहीं मिल रहा हमें कोई काम नहीं मिल रहा है उसमें तभी हम ये चाहते हैं कि भाई वो ना ही तो रोजगार सेवक के घर से जा रहे हैं ना प्रधान के घर से जा रहे तो हम पे हमें काम पे ले जाने ना चाहिए लेकिन हमें कोई काम पे ले जा नहीं रहा है और प्रधान ज्यादातर तो प्रधान धांधली कर रहे हैं उनकी धांधली में हम ऑब्जेक्शन ना उठाएं इसलिए वो तो हमें चाहते ही नहीं है कि रोजगार अच्छा, सेवक और जो प्रधान खत्म करना चाहते हैं महिला मैट महिला मैट को तो बिल्कुल खत्म करना चाह रहे हैं ये कि ये तो रहे ही ना और इस चीज को लेके इन्होंने जैसे कि बिना प्रशिक्षण के बिना किसी जैसे कि सूचना दिए हुए इन्होंने गलत तरीके से महिला मैट रख भी ली थी तो हमने उस चीज़ के लिए ऑब्जेक्शन उठाया था तो कुछ इन्होंने हटा भी दिए उसमें तो ये चीज नहीं होनी चाहिए जो महिला मैट रखी गई हैं वही रहे एक तो क्योंकि प्रधान है फिर वो अपने पक्ष की महिला मैट दूसरी रखवा रहे हैं और जो पहली है तो उनको तो काम दिया नहीं जा रहा है जब बीस पे एक महिला मैट जो नियुक्त पहले हो गई हाँ, फिर प्रधान अपनी तरफ से अपने अपनी कर नियुक्त करवा रहे हैं वो तो ऐसा नहीं होना चाहिए वो दूसरी नियुक्त ना करवाए देखो काम ज्यादा है काम ज्यादा है तो उसकी ऐसी बात है अगर काम ज्यादा है चालीस से ज्यादा महिलाओं का काम है तो वो बात एक अलग है जब काम ही नहीं है पहले महिला मैट को काम नहीं है तो दूसरी को क्यों नियुक्त कर रहे हैं ये ये अपनी तरफ से प्रधान रोजगार सेवक अपने रिश्तेदारों को रखवा रहे हैं हम चाहते हैं ये भी नहीं होना चाहिए जो पहले रखी गई हैं उन बहनों को काम मिलना चाहिए ना जो पहले रखी गई हैं उन्हें काम मिलना चाहिए बाकी जो पहले से नियुक्त हैं, उन्हें कोई मानदेय नहीं मिला आ, उनको ही काम नहीं मिला है जिस ग्राम पंचायत में पहले से महिला मैट है मामला, मेरा नाम मितेश है मैं ग्राम पंचायत जलालपुर खुर्द मेरा नाम मिथिलेश मैं जलालपुर खुर्द से आई हूँ ग्राम पंचायत जलालपुर खुर्द और हमारा है आज मीटिंग थी सर ने हमें फोन किया बोले आज है आओ रहरा लोग पे सबकी रजिस्ट्री होवेगी और जिन्हें जिन्हें काम नहीं मिल रहा है वो अपनी अपनी आए के शिकायत रखो जो सरांगे, सर आएंगे ए सर बी सर तो वो गए हुए उनकी आज होगी बी सर से शिकायत करी कभी हाँ कही थी एक बार हमारे हैं कि जो प्रधान जी हैं वो सुनते नहीं ना रोजगार सेवक है उन्होंने कह दे बोले पन, मैट सेट कोई कुछ नहीं होती जो भी कुछ है हम हैं सब कुछ प्रधान जी ने कह दी जी आप क्या कहना चाहेंगे वीडियो चल सके कभी शिकायत करी आप जी है? सर जी फिर क्या कहते हो रोजगार हमारे खिलाफ है जी रोजगार सेवक जो रोजगार सेवक को खत्म करना चाहते हैं जी आपने शिकायत करी कभी में से उनसे वीडियो से जी सर क्या कहते हो काम चलता रहता है गांव में काम बताते नहीं है जी काम चलता रहा ये रोजगार सेवकों की कमी है या प्रदान की रोजगार सेवक